यूपी में योगी सरकार ने बड़ा आदेश दिया है। अब सुबह में स्कूलों की तरह ही मदरसों में भी राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। आदेश के अनुसार यह आदेश मान्यता प्राप्त अनुदानित और गैर अनुदानित सभी मदरसों में लागू होगा। मदरसा शिक्षा परिषद ने मदरसों में पढ़ाई से पूर्व राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है। यूपी में रमजान की छुट्टियों के बाद खुल रहे सभी मदरसों में अब पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान होगा और दुआएं भी मांगी जाएंगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी के अनुसार राष्ट्रगान सभी मदरसों में किया जाएगा और इसके लिए सभी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि 14 मई से मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं भी आयोजित की जा रही हैं। अंसारी ने कहा कि नए सत्र की शुरुआत के साथ ही मदरसों की में बच्चों का आना शुरू हो गया है। ऐसे में अब दिनी दुआ के साथ मदरसों में राष्ट्रगान लगातार करवाया जाएगा। इस संबंध में जारी हुए आदेश में कहा गया है कि राज्य के सभी मान्यता प्राप्त अनुदानित और गैर अनुदानित मदरसों में आगामी शिक्षण सत्र की कक्षाएं शुरू होने से पहले अन्य दुआओं के साथ शिक्षकों और छात्रों के लिए राष्ट्रगान भी अनिवार्य होगा। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को आदेश का पालन करवाने के साथ साथ ही नियमित तौर पर इसकी निगरानी भी करनी होगी। शिक्षक संघ मदारिस अरबिया के महामंत्री दीवान साहब जमान खान ने कहा कि मदरसों में अब तक हम्द और सलाम पढ़ा जाता था, लेकिन अब से राष्ट्रगान भी होगा। गौरतलब है कि यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड की 24 मार्च को हुई बैठक के दौरान नए शिक्षण सत्र में राष्ट्रगान की अनिवार्यता संबंधी निर्णय ले लिया गया था। बोर्ड के रजिस्ट्रार एसएन पांडे के अनुसार रमजान के दौरान 30 मार्च से 11 मई तक मदरसों में अवकाश था और 12 मई से नियमित कक्षाएं शुरू होने के बाद यह आदेश गुरुवार से लागू माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।